सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक की बातें। आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर स्प्रे पंप के बारे में, जिसको मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो उसके अनबॉक्सिंग करेंगे एंड चेक करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके अंदर पानी भरेंगे एंड स्प्रे करके देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, ऑलराइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से पैकेजिंग आई है अमेजोन से एंड ये है इसका बिल वगैरह। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। खोल दिया मैंने, आप देख सकते हो। तो प्रेशर पंप एंड उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है। सो देखिए गाइस, दिस इज द पंप, कुछ इस तरह की से पैकेजिंग है। तो इसको पॉलिथीन से निकालते हैं। क्वालिटी तो काफी अच्छी लग रही है, प्रीमियम लग रही है, कुछ हल्का फुल्का प्लास्टिक ऐसा नहीं है, काफी अच्छा है। तो यहाँ से हम हवा भर सकते हैं एंड यहाँ पे बटन है, यहाँ से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो देखो आवाज भी आ रही है, यानी कि अंदर हवा होगी। सो गाइस, इसका मेन पर्पस जो है वो एक्चुअली गार्डनिंग करने के लिए है। आपके घर में कुछ छोटा सा गार्डन वगैरह हो तो उसमें स्प्रे करने के लिए, लेकिन हमने इसको मंगाया है कुछ और पर्पस के लिए। मेरा जो पर्पस है वो है मेरा स्कूटर, बाइक एंड कार वॉश करने के लिए। तो घर पे हम कार वॉश कर सकते हैं, बाइक को वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल सकते हैं एंड 2 लीटर पानी से हम बाइक वगैरह वॉश कर सकते हैं। तो आई थिंक 2 लीटर तो काफी है, हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो फिर से रिफिल कर सकते हैं, ऑलराइट? तो इसके अंदर कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो सिंपली ये खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, देखो ये खुल गया। और ये है पंप, ये पंप से इसके अंदर प्रेशर बनता है, हवा भरती है, जिसके वजह से ये स्प्रे होता है। तो आप वन टाइम ऐसे दबा के रखोगे तो पानी निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। और यहाँ से आप स्प्रे को एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा छोटा। तो इसके अंदर पानी भर के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। सो गाइज, इसके अंदर पानी भर चुका है, तो इसको करते हैं बंद। तो इसके अंदर अभी हमें प्रेशर बनाना है। प्रेशर बनाने के लिए उसको हमें हवा भरनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। तो आई थिंक इसके अंदर हवा भर चुकी है, तो इसको स्प्रे करने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। सो हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ नीचे कार के पास और हमारा ये बॉटल है वो भी मैं फिल करके आ चुका हूँ। इसके अंदर हवा भी डाल दी है मैंने, लेकिन आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदी है। तो आई डोंट नो इससे अच्छे से साफ होगा कि नहीं होगा, बट हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऊपर उठा लेते हैं, इसको भी उठा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही धूल मिट्टी लगी है। तो अभी इसका जो स्प्रे है वो छोटा सा है, ये देखो ये तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब थोड़ा बड़ा किया है, अब देखते हैं। चलो, वाओ, पानी तो मस्त जा रहा है। और एक चीज दिखाता हूँ, इसको अगर आपको चालू ही रखना है तो ये ऊपर वाला जो बटन है वो दबा दो और अंदर कर दो। तो ये देखो, मैंने कुछ भी नहीं दबाया और अभी भी चालू ही है, पाइप की तरह ही चलता रहेगा पानी, ये देख लो। वाओ, तो ये देखो गाइस, फाइनली कार को हमने वॉश कर लिया है और अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। एंड ये साफ करने के लिए जो पानी यूज हुआ है वो इसी के अंदर से यूज हुआ है, मैंने इसका ही इस्तेमाल करके गाड़ी को साफ कर दिया। और गाड़ी बहुत ही गंदी थी, ऑलमोस्ट 15-20 दिनों से पड़ी हुई थी, तो धूल धूल हो चुका था। सो मजा आ गया इससे गाड़ी धोने में। तो अब देखिए, अब बारी है बाइक की। कार तो हो चुकी है, अभी बाइक की बारी है। तो बाइक धोने में मजा ही आएगा, ये बाइक के लिए तो परफेक्ट है। बाइक के लिए तो परफेक्ट है।
सो गाइज, ये पंप की मदद से हमने कार वॉश करी, बाइक वॉश किया। एक्चुअली इसका पर्पज है गार्डनिंग के लिए, बट मेरा पर्पज अलग था। मेरी कार एंड बाइक वॉश करने के लिए इसको लिया है। तो कार वॉश करने के लिए मुझे एक्चुअली 3 बार फिल करना पड़ा था इसको, क्योंकि बहुत ही गंदी थी कार, आपने देखा था इसकी कंडीशन। अगर आप रेगुलर करते हो तो एक ही में से हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा गंदी नहीं होगी तो इजिली हो जाएगा। और टू व्हीलर के लिए तो एक ही बार रिफिल करना काफी है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये भी एक लॉक है, दबा के अंदर पुश कर दोगे और छोड़ दोगे तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप अमेजोन में जाके बाय कर सकते हो। और इसकी प्राइस रहेगी 350-350 के आसपास। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।